के नोडल अफसर अतुल जी, सीवी प्रोग्राम के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे जो तीन वार्ड्स हैं उनके बीएलओस, और आज यहाँ हमारे आज के स्पी प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए अशोक जी पंचैरी से, उनका साथ ढोलकी पे दिया रवि जी, बॉयज स्कूल के कुछ बच्चे थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, और हमारे स्कूल की बच्ची हैं जिन्होंने रिपब्लिक डे पे भी स्वीप का प्रोग्राम जो था वो ऑर्गेनाइज करा था, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जिसे पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सराहा था। और प्यारे बच्चों और माय डियर कोलीग्स, तो मैं सबका आभारी हूँ, क्योंकि आज तो बहुत ही बिजी शेड्यूल है, इस बिजी शेड्यूल के चलते हुए हम जो स्वीप का प्रोग्राम जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पाए, जबकि हमारा एडजॉइनिंग जो स्कूल है उनके प्रिंसिपल साहब ने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम ये फंक्शन हम नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, क्योंकि कुछ क्या वजूहत रही होंगी उनकी, कोई एक्सीजेंसीज रही होंगी। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन का पर्व चल रहा है, जैसा आपको डिटेल में सभी ने बता दिया और आपने कल्चर आइटम के थ्रू भी देखा है कि सब ने बढ़ चढ़ के, ये जो 18 लोकसभा जो इलेक्ट होने जा रही है, जिसका 17वीं लोकसभा जो है उसका कार्यकाल जून में ख़त्म हो रहा है, तो कितनी जून को होनी है, नहीं 4 जून के बाद हमारी 18 लोकसभा, आपको पता है लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स इलेक्ट होके आएंगे, कोई पॉलिटिकल साइंस की बच्चियाँ हैं यहाँ पे, कितने एमपीज के लिए इलेक्शन हो रही है हमारे स्टेट में, जो होती है वो असेंबली होती है और कंट्री की जो होती है वो लोकसभा होती है, कितने एमपीज के लिए इलेक्शन होने जा रही है, कितने कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आएंगे, किसी को नहीं मालूम, 540, ठीक है सर 543 है, तो 543 जो है वो एमपी सेलेक्ट होके आएंगे, तो सबने बढ़ चढ़ के, आप बच्चों का किसी का वोट है, आप में से किसी का वोट बना है तो आपके घर में मम्मी पापा का, आपकी दीदी का, आपके भैया का, अंकल आंटी का, या पड़ोस में आस पड़ोस में आपके, आपको प्रोग्राम दिखाने का यही पर्पज़।